पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मंगल को दो हिस्सों में डैलस में ट्रेनिंग सेशन किया। बैटर्स से पहले इंडोर प्रैक्टिस की, दोपहर में कौमी खिलाड़ियों ने ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। तफसीलात बताएंगे डैलस से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी। जहाँ ICC T20 वर्ल्ड कप में अपनी कैंपेन के आगाज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज यहाँ ट्रेनिंग सेशन कर रही है। डैलस के ग्रैंड प्रायरी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है और पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ डैलस में फाइनली धूप निकली हुई है और सूरज चमक रहा है और बड़ा ड्रास्टिकली वेदर चेंज हुआ है। यहाँ पर सुबह 2 घंटे 3 घंटे काफ़ी बारिश भी रही थी, जिसकी वजह से सुबह का जो मैच था नैदरलैंड और नेपाल का वो भी ताखिर से शुरू हुआ था, आधे घंटे की ताखिर से शुरू हुआ था। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये अमेरिका आने के बाद ये पहला प्रॉपर ग्राउंड पे ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है तो गलत ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी यहाँ अपनी फील्डिंग प्रैक्टिस का आगाज़ कर चुके हैं। नेट्स पे पाकिस्तानी प्लेयर्स बैटिंग और बॉलिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन था वो बारिश की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। फील्डर्स ने बाहर, क्योंकि वेट आउटफील्ड ही, तो बाहर प्रैक्टिस की और काफ़ी 30 माइल की दूरी पर दूसरी जगह थी जहाँ पर बैटर्स ने इंडोर प्रैक्टिस की। अहम चीज़ जो यहाँ पाकिस्तान टीम की, जो इंग्लैंड से बात करते आ रहे थे कि हमें पावर हिटिंग करनी है, हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, लेकिन अब पहला मौका आज पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के पास यहाँ होगा, बैटर्स के पास होगा कि वो खुले मैदान में पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करें, यहाँ की कंडीशंस को असेस करें और फिर अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल करें, क्योंकि इसी मैदान पर पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों के दरमियान 6 जून को वर्ल्ड कप का मैच होना है। इसी मैच के साथ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़ होगा।